जय हिंद। फ्यूचर ऑफ इंडिया रसोई का स्वागत है। इस वीडियो में आज हम लोग बात करेंगे सर्वेश्वर फूड्स लिमिटेड कंपनी के बारे में। काफी चर्चा हो रही है शेयर मार्केट में इस कंपनी को लेकर। वजह है कि इस स्टॉक में अनएक्सपेक्टेड तेजी देखने को मिला है पिछले कुछ दिनों में। तेजी के पीछे की वजह को जानेंगे और आपको बताऊंगा कि लंबी अवधि में निवेश के लिए स्टॉक कितना फायदेमंद साबित हो सकता है यदि सही समय पर इसमें आप निवेश करते हैं तो। मैं कहाँ पर निवेश करना है नए लोगों को वो भी बताऊंगा और साथ में पहले से जिसके पास इस कंपनी के शेयर्स हैं उन्हें आगे क्या रणनीति अपनानी है उसके बारे में बात होगी। कंपनी ने अभी जब से कमाना शुरू किया अच्छी खासी, उसके बाद बोनस भी अनाउंसमेंट किया। हालांकि कंपनी अभी तक डिविडेंड की अनाउंसमेंट नहीं की है। हालांकि हम लोग इसको बीएससी की वेबसाइट पर समझेंगे कि इसमें क्या डिविडेंड भी आने वाला है और क्या नए अपडेट निकलकर सामने आए हैं। तो पहले हम लोग इस नए अपडेट को बीएससी की वेबसाइट पर समझ लेते हैं, फिर इस कंपनी का बाकी डिटेल हम लोग समझेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे, अभी लोग बीएससी इंडिया की वेबसाइट पर आए हूँ। बीएससी इंडिया की वेबसाइट पर हमने सर्वेश्वर फूड्स लिमिटेड कंपनी को ओपन किया हुआ है। देखिए अभी ये एएसएम स्टेज वन में है, ये रेड फ्लैग में है बेसिकली। लेकिन एएसएम की कैटेगरी उतनी घातक कैटेगरी नहीं होती जितनी एएसएम या जीएसएम की होती है, तो इसलिए इस एएसएम की कैटेगरी से हमें घबराना नहीं है। चलिए उस अपडेट को समझते हैं जिसके बारे में जानने के लिए हम लोग बीएससी इंडिया की वेबसाइट पर आए हैं। सबसे पहला अपडेट है 3 फरवरी का, यानी आज की डेट का है। यहाँ पर जो बोर्ड मीटिंग हुआ इसमें ये कहा गया है, मोटा मोटी बात यह है कि कंपनी के जो Q3 के नंबर आने वाले हैं उसको लेकर इस मीटिंग में अपडेट हुआ है। उम्मीद है Q3 के नंबर आपको इस मंथ के लास्ट तक आपको देखने को मिले। इसके अलावा जो दूसरा अपडेट है, ये दूसरा है तीसरा कहना है, ये देखिए लगातार ये स्टॉक अपर सर्किट टच करते हुए आपको नजर आ रहा है। 2 फरवरी को भी अपर सर्किट टच किया और कहीं ना कहीं ये अपने एक नया बाउंड का हाई बनाते हुए भी नजर आए, तो ये भी एक शानदार अपडेट निकलकर सामने इस स्टॉक के लिए आ रहा है। जब यहाँ पे कॉर्पोरेट एक्सेंस में आते हैं तो आप देखेंगे कंपनी ने 2:1 का बोनस शेयर इशू किया था पिछले साल दिसंबर 2023 में, और आगे भी इस कंपनी के अब बोनस और डिविडेंड ये कंपनी आपको देती हुई नजर आएगी। क्योंकि जैसे मैंने बताया कंपनी में अनएक्सपेक्टेड तेजी देखने को मिल रही है, तो जब तेजी आ रही है, जब कंपनी की कमाई हो रही है, तो जाहिर सी बात है जब कंपनी कमाएगी तभी तो आपको डिविडेंड और बोनस देगी। तो अभी बोनस मिला है, उम्मीद है कि इस साल आपको डिविडेंड मिलते हुए नजर आए। चलिए बाकी डिटेल्स हम लोग यहाँ पे इस कंपनी के समझते हैं। सबसे पहले हम लोग इस कंपनी के काम की बात करें तो कंपनी बासमती चावल बनाती है। ये बासमती चावल की मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग दोनों करती है और बहुत अच्छे पैमाने पर बासमती चावल की मैन्युफैक्चरिंग करती है, जिससे इस कंपनी का डिमांड आपको लगातार बढ़ते हुए दिख रहा है और डिमांड बढ़ने की वजह से कंपनी के शेयर प्राइस में भी आपको इंक्रीजमेंट होते हुए दिख रहा है। यदि बात करें तो ये कंपनी मुख्य रूप से जम्मू एंड कश्मीर बेस्ड कंपनी है। यहीं पर इस कंपनी का प्लांट और मुख्यालय वगैरह सब चीज है। अभी एक नया अपडेट निकलकर सामने ये आया है, कंपनी ने हाल ही में नए चौपाल 2 चौपाल इंस्टॉलमेंट किए हैं, जिसमें अब ये कंपनी डायरेक्ट फार्मर से ही जो चावल्स होते हैं उसको लेके मार्केट में ट्रेडिंग के लिए उपलब्ध कराएगी। तो ये काफी बढ़िया अपडेट निकल के सामने आया है। इससे क्या होगा, कंपनी की कॉस्टिंग बच जाएगी, बाकी सारी जो पहले चीजें करनी होती थी उससे। यदि हम इस कंपनी के फंडामेंटल को समझे, तकरीबन 800 करोड़ के आसपास कंपनी का वैल्यूएशन है। देखिए ये वैल्यूएशन इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि कंपनी का शेयर प्राइस बढ़ते हुए दिख रहा है। शेयर प्राइस जब बढ़ता है तो कंपनी का मार्केट कैप भी बढ़ता है। इसके अलावा यहाँ पे देखेंगे तो स्टॉक का पी आपको महंगा नजर आएगा। जाहिर सी बात है जो फूड सेक्टर की कंपनियां होती हैं उनका पी महंगा होता ही है। करंट प्राइस देखेंगे तो 8 रुपए के आसपास है, जो बुक वैल्यू से काफी ज्यादा है। ये बढ़िया बात है। यदि हम लोग इस कंपनी के रिटर्न ऑन इक्विटी और आरओसी को देखें तो तकरीबन 5.5-4% के आसपास आरओई है, यानी कि आपके इन्वेस्टरों को साल भर में कम से कम 4% रिटर्न निकाल कर देने का एक कंपनी दमखम रखती है। अब टेक्निकल एनालिसिस को यदि हम लोग समझें तो यहाँ पर मैंने 1 साल का चार्ट इस कंपनी का ओपन किया हुआ है। 1 साल का चार्ट पर देखेंगे कि ये जून 2023 के बाद से एक शानदार तेजी से स्टॉक में देखने को मिली है। जून क्वार्टर का जो रिजल्ट आया था उसमें कंपनी का अच्छा खासा सेल्स और प्रॉफिट होते हुए दिखा था, जिसके बाद इस स्टॉक में लगातार तेजी देखने को मिला। थोड़ा सा प्राइस करेक्ट किया, फिर इसके बाद से तेजी देखने को मिला। अब देखिए अब क्या हो सकता है इसमें, अभी तो ये प्राइस ऊपर जा रहा है तो लगता है ये ऊपर जाएगा। देखते रहिए कहाँ तक ऊपर जा रहा है, अभी ऊपर में कोई टारगेट फिक्स नहीं है। नए व्यक्ति को क्या करना है कि जहाँ पे ये प्राइस जाके मुझे लगता है 10 रुपये के आसपास जाएगा, तो वहाँ पे थोड़ा सा करेक्ट करने के लिए नीचे आएगा, प्राइस रिट्रेसमेंट करने के लिए नीचे आएगा। तो जब नीचे आएगा प्राइस ऊपर उठने लगे तो नए व्यक्ति वहीं पर एंट्री ले लेंगे। अभी एंट्री लेने की जरूरत नहीं है, जहाँ से ये प्राइस करेक्ट करके रिट्रेसमेंट करके नीचे से जब उठने लगेगा तो वहाँ पर नए व्यक्ति एंट्री लेंगे और जिसको एवरेजिंग करना है वो भी एवरेजिंग करेंगे। अभी चढ़ते हुए रेलगाड़ी में चढ़ने की गलती नहीं करना है, वरना इससे नुकसान हो सकता है। यदि हम लोग पिछले 10 साल का डाटा एनालाइज करें तो पिछले कहीं पर भी इसका रेजिस्टेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये कंपनी भी ऑल टाइम हाई पर चल रही है, जिसमें मैंने पहले भी बीएससी इंडेक्स वेबसाइट पर जो लोग थे तो वहाँ पर आपको बताया था। तो आपको वेट करना है कहाँ पर ये स्टॉक करेक्ट कर रहा है, थोड़ा सा रजिस्टर करना नीचे आएगा, वहाँ पर आप इसमें एंट्री ले सकते हैं। कंपनी के जब हम क्वार्टरली रिजल्ट को देखते हैं तो जिसमें बताया कंपनी के Q3 के नंबर अभी नहीं आए हैं, Q3 के नंबर आने बाकी हैं। अभी सिर्फ सितंबर Q तक का रिजल्ट आया है। पिछले सितंबर Q जो रिजल्ट आया था Q2 में, उसमें कंपनी का सेल्स पिछले क्वार्टर के मुकाबले बढ़ते हुए दिखा है। और ओवरऑल बात करें तो लगातार कंपनी के सेल्स बढ़ ही रहे हैं। कंपनी के सेल्स बढ़ने के साथ साथ जो कंपनी की ऑपरेटिंग प्रॉफिट होती है वह भी कहीं ना कहीं आपको लगातार बढ़ते हुए दिख रही है। तो कमाल की बात यह है कि सर्वेश्वर फूड्स में जो शेयर होल्डिंग्स है प्रमोटर्स की, उनकी हिस्सेदारी काफी अधिक मात्रा में है। और मतलब इसका ये हुआ कि प्रमोटर्स की अपनी कंपनी पर भरोसा है। जिस कंपनी में ठीक ठाक मात्रा में प्रमोटर्स होते हैं उसे सामान्यता
ठीक माना जाता है, खासकर पेनी स्टॉक की जब हम बात करते हैं तो। बाकी पब्लिक की हिस्सेदारी भी ठीक ठाक है इस स्टॉक में। तो ओवरऑल यदि हम जब सर्वेश्वर फूड्स की बात करते हैं तो काफी कमाल की ये FMCG की स्टॉक लगती है, क्योंकि कंपनी का सब चीज ठीक है और कंपनी में तेजी आना भी शुरू हो गया, तेजी वॉल्यूम के साथ आ रहा है, इसका मतलब तेजी टिकाऊ रहेगा, मजबूत रहेगा। तो सर्वेश्वर फूड्स के बारे में जो भी अपडेट थी, जो भी जानकारी थी मैंने आपको दी, कोई भी आपको मन में कंफ्यूजन है, सवाल है तो कमेंट जरूर पूछिएगा। व्यक्तिगत रूप से जो बातें करने के लिए आप उसको इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।